धर्मनगरी वृंदावन में आयोजित वैष्णव कुंभ मेला बैठक का शुभारंभ मंगलवार को शाही सवारी एवं ध्वजारोहण के साथ हो गया। शाही सवारी के अंतर्गत नगर में विभिन्न अखाड़े, खालसा संप्रदाय एवं सामाजिक संगठनों के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, अलग अलग स्थानों से निकाली गई। शोभा यात्रा नगर के प्रमुख क्षेत्रों से होते हुए कुंभ मेला क्षेत्र में अपने अपने शिविरों पर पहुंची। बैंडबाजों के मध्य निकाली गई शोभा यात्रा में ठाकुर जी के सुजद ढोले एवं अखाड़ों के निशान छड़ी आदि जहां आस्था के केंद्र बने हुए थे, वहीं तलवारबाजी एवं अन्य युद्ध कलाओं के करतब दिखाते हुए चल रहे संत भी सभी के आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। वहीं चार संप्रदाय खालसा सहित विभिन्न अखाड़ों, खालसा एवं संप्रदाय के शिविरों में वैदिक मंत्र उच्चारण के मध्य ध्वजा का पूजन एवं ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा एवं सांसद हेमा मालिनी ने भी ध्वजारोहण कार्यक्रम में भाग लिया और ध्वजा पूजन कर आरती उतारी। देखो सुनो, सब आए गए? हाँ, सब आए गए। देखिए, बहुत परम सौभाग्य की बात है और ये बहुत पवित्र दिन है। आज बसंत पंचमी का दिन है और माँ यमुना के किनारे ये कुंभ का आयोजन हो रहा है। साधु संत सब ब्रजवासियों को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये बहुत ही पवित्र स्थान है और ये बहुत ही बहुत अच्छा अवसर है और हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि पहले प्रयागराज कुंभ के आयोजन का अवसर हमारी सरकार को मिला और अब कुंभ के, वृंदावन कुंभ के आयोजन को भी अवसर हमारी सरकारें प्राप्त हुए हो। तो ये सब पूज्य संतों के आशीर्वाद से ही, ये सब उनकी कृपा से ही सब हो रहा है और हम बस सब ब्रजवासी, हम सब प्रदेशवासी अपने बाके बिहारी जी से, अपने पूज्य संतों से बस यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो आयोजन है ये बहुत सफल आयोजन हो, ये कुंभ बहुत सफल हो, बहुत सुरक्षित हो और हमने यह कुंभ में साधु संतों के आशीर्वाद से ये प्रयास करे हो कि यहाँ में हम पोलोथीन को उपयोग ना करें या कुंभ हम बहुत इको फ्रेंडली रखें और जैसे हम अपने ठाकुर जी के स्थान है, पवित्र स्थान है, हम मंदिर जैसे साफ रखें, अपने घर जैसे साफ रखें, वैसे ये पवित्र स्थान भी हमारा साफ रहे। क्या की चिंता सब श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो करें और जहाँ जो हमारे पूज्य संत हैं और जो अन्य लोग हैं वो जहाँ इन्होंने जहाँ स्थान प्राप्त किया है वो सब भी इसकी चिंता करें और हमने प्रयास किया है कि सबको गंगा जल उपलब्ध हो। हर अखाड़े में जहाँ जहाँ हम व्यवस्था है वहाँ गंगा जल पीने को सबको मिले। पानी की बचत भी करनी है और अपने स्थान स्वच्छ भी रखना है और सबको आशीर्वाद हमें मिले और ठाकुर जी बांके बिहारी जी ऐसे ही कृपा करते हैं। प्रयागराज कुंभ में प्रधानमंत्री जी आए थे, क्या यहाँ भी मिलेंगे? मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा आयोजन है और सब पूज्य संतों का और बांके बिहारी जी की कृपा बनी रहे कि ये हमारा आयोजन बहुत सफल हो और आप सबका, ब्रजवासियों का सब आशीर्वाद बना रहे और बहुत अच्छा, धन्यवाद। इस कुंभ बैठक में मैं आई हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा काम हुआ है, साधु संत लोग बहुत ही खुश हैं। उनका आज से पहला दिन है, स्टार्ट होता है, आगे 40 दिन तक चलेगा। हमारे वृंदावन के लिए बहुत बड़ी बात है ये, यहाँ पर इतना, इतनी अच्छी तरह से इतने लोग आने वाले हैं, इतने साधु संत आने वाले हैं इस जगह में, बहुत बढ़िया बनाया है और बहुत जितने पब्लिक भी आएंगे वो लोग भी सुरक्षित और अच्छा रहेंगे। सर, क्या प्रधानमंत्री को न्योता देंगे कुंभ के लिए? हम लोगों ने जो न्योता दिया हुआ है वो आएंगे नहीं आएंगे वो बाद में मालूम पड़ेगा। आज हो गया, किस तरीके से मनाया जाएगा? आज बहुत हंसी और खुश, हर्ष उल्लास का जो है दिन है, जो है हमारे तीनों अखाड़ों का जो है ध्वजारोहण का जो है कार्य पूरा हुआ और इसमें भारत भर से आए हुए संत महात्मा, धर्म प्रेमी जनता जनार्दनों से अनुरोध है कि इस पावन रूपी जमुना में, ब्रज की भूमि में आए और इस पावन कुंभ में अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री राम।